गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट डिजीज डिस्कस करेंगे, दैट इज मलेरिया, विच इज अ प्रोटोजोअन डिजीज, मींस इट इज कॉज्ड बाय ए प्रोटोजोआ नेम प्लाज्मोडियम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज इट्स काजिंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज इट्स काजिंग ऑर्गेनिज्म। तो काजिंग ऑर्गेनिज्म कौन होगा मलेरिया का, दैट इज प्लाज्मोडियम। एंड प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीसीज होती है, अलग अलग स्पीसीज हैं जो ये मलेरिया डिजीज कॉज कर रही है। तो मेनली हम चार स्पीसीज पढ़ते हैं प्लाज्मोडियम की। सबसे पहली जो स्पीसीज आती है दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरी जो स्पीसीज है उसका नाम है प्लाज्मोडियम ओवेल, तीसरी स्पीसीज है उसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, एंड फोर्थ स्पीसीज है उसका नाम है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो ये स्पीसीज है जो अलग अलग से मलेरिया कोज करती हैं, और इनके अंदर जो फीवर आता है वो उसका रीअकरेंस कितने आवर्स के बाद होता है उस बिहार पे, यहाँ पे अलग अलग टाइप का फीवर हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ बिनाइन टर्टेंट मलेरिया फीवर, इस फीवर का रीअकरेंस दोबारा से कितने देर के बाद रिपीट करेगा, 48 आवर्स के बाद। ये भी टर्टेंट फीवर करेगा विच रिपीट्स आफ्टर 48 आवर्स। सबसे डेंजरस जो मलेरिया कोज करता है वो फैल्सीपेरम कोज करेगा। इसका मलेरिया कौन सा होता है, सेरिब्रल मलेरिया, इट कॉज सेरिब्रल मलेरिया। अगर टाइमली इस मलेरिया को ट्रीट ना किया जाए तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है, और इसके अंदर भी फीवर है वो 48 आवर्स के बाद रिपीट करेंगे। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम की मलेरियाई स्पीसीज है ये कौन सा मलेरिया कोज करती है, ये मलेरिया नहीं, ये कौन सा फीवर करती है, क्वार्टन मलेरिया, दैट मीन्स कि क्वार्टन फीवर नॉट मलेरिया। इसमें फीवर आफ्टर 72 आवर्स के बाद क्या करेगा, इसमें फीवर रिपीट करता है। अब बात आती है इस प्लाज्मोडियम को एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट कौन करता है, दैट मीन्स कि हम अगर बात करें इसका ट्रांसमिटिंग एजेंट क्या है, इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम डिस्कस करें, क्या भाई मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर हम डिस्कस करें तो दैट इज स्प्रेड बाय ए फीमेल मॉस्किटो, और कौन सी स्पीसीज का, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है वो इस प्रोटोजोन्स को ट्रांसमिट करती है 1% टू अनदर पर्सन। ठीक है भाई, ये बात थी इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, ये इसका काजिंग ऑर्गेनिज्म। अब बात आती है कि इसके सिम्टम्स क्या क्या अपीयर्स होते हैं। तो सिम्टम्स में सबसे पहले क्या होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूट हमें चिलनेस फील होती है, सडन एक्यूट चिलनेस, जिसके बाद शिवरिंग होनी शुरू लग होती है, जिसके बाद बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर जाता है। तो सबसे पहला सिम्टम्स इसका क्या होता है, ठंड के साथ फीवर आना, सडन एक्यूट चिलनेस विच लीड्स टू शिवरिंग, जिसकी वजह से हम कांपने शुरू हो जाते हैं, एंड शिवरिंग की वजह से राइज इन बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाए तो वो क्या कर जाता है, वो फीवर कोज करता है। और जब फीवर अपने पीक लेवल तक पहुँच जाए एक बार, तो पीक लेवल पर फीवर पहुँचने के बाद वो स्वेटिंग कराना शुरू कर देते हैं, और स्वेटिंग की वजह से अगेन हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यही प्रोसेस बार बार रिपीट करती है। जैसे कि मान लो मैंने बताया कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ने 48 आवर्स के बाद फिर से ये सब कंडीशन रिपीट करेंगी, बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा, फिर से नॉर्मल हो जाएगा। इसमें मलेरिया अगर कोज करता है प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह से अगर मलेरिया हुआ है तो 72 आवर्स के बाद ये सब कंडीशन रिपीट करती है। ठीक है, तो दिस इज द मेन सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया, ठंड के साथ फीवर आना। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम आती है। बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, हेडेक होता है, लेजीनेस आ जाती है, मस्कुलर पेन होगा, नोजिया, ये सब इसके दूसरे सब्सिडरी सिम्टम्स हैं, लाइक हेडेक, नोजिया, लेजीनेस, मस्कुलर पेन,
एटसेट्रा, ये सब सिम्टम्स भी इसके अंदर आते हैं। अब बात आए कि इस डिजीज को हम किस तरीके से कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो अगर हम कंट्रोल की बात करें तो इसके लिए एक ड्रग्स दी जाती है जो बहुत ही कॉमन ड्रग है, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा कई बार, क्यूनीन नाम की ड्रग्स, ठीक है। और उस क्यूनीन को एक प्लांट के बाग से लिया जाता है। कौन सी ड्रग आती है भाई? क्यूनीन, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना। सिंकोना नाम का एक प्लांट है जिसके बार्क से इस ड्रग को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्यूनीन के अलावा दूसरी और ऐसी ड्रग्स हैं जैसे कि क्लोरोक्यूनीन, प्राइमाक्यूनीन, ये सब अदर ड्रग्स हैं जो इसको ट्रीट करने में काम आती हैं। एक अट्रेमेसिया एन्यूस होती है जो एक अट्रेमेसिन नाम की ड्रग भी देता है। एक आता है अट्रेमेसिन, क्लोरोक्यूनीन, प्राइमाक्यूनीन, ये सब ड्रग्स के नाम हैं जो किसको ट्रीट करती हैं? मलेरिया को ट्रीट करती हैं, ठीक है भाई। ये तो बात थी कंट्रोल की, लेकिन अगर हम इसके प्रिवेंशन की बात करें, हम अपने आप को किस तरीके से मलेरिया से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, तो अगर हमें फीमेल मॉस्किटो बाइट ही ना करे तो हम, हो सकता है कि प्लाज्मोडियम बॉडी में एंट्री ना होने दें, और हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो क्यों नहीं हम इसे प्रिवेंट करें। तो प्रिवेंशन के लिए आप वो सब सारे मेथड्स लिख सकते हैं जो मॉस्किटो को रिपेल्ट करते हैं, ठीक है। मॉस्किटो रिपेलेंट्स जितने भी होते हैं, जैसे कि मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स आती हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट क्वाइल्स आती हैं, वो सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। या फिर मॉस्किटो को डेवलप ही ना होने दिया जाए, वाटर को इकट्ठा ही ना होने दिया जाए, उनके अगेंस्ट डीडीटी यूज की जाए, बीएचसी यूज की जाए, वो सब चीज़ें जो मॉस्किटो को प्रोटेक्ट कर, मॉस्किटो से प्रोटेक्ट करके रख सकती हैं, मॉस्किटो की डेथ कोज करती हैं या मॉस्किटो को डेवलप नहीं होने देती, वो सब इसके प्रिवेंशन में आ जाएगा। अब बेटा जो हमें इस डिजीज के लिए जो उसका मेन टॉपिक डिस्कस करना है, वो क्या डिस्कस करना है, दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। तो हम मेन क्या डिस्कस करेंगे, हम मेन डिस्कस करेंगे इसके अंदर लाइफ साइकिल के बारे में, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो स्टूडेंट्स देखेंगे अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मलेरिया डिजीज, जो यूजुअली जहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके नेट में भी और आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी, तो वो क्या है, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। तो जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ कर रखा है, ये क्या है, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है। अब इसके लाइफ साइकिल में मेनली तीन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, पहले तो आप ये सुन लें कि इसके लाइफ साइकिल के फेजेस कितने होते हैं। दो फेज होते हैं, एज यू नो कि प्लाज्मोडियम इज ए डाइजेनेटिक पैरासाइट, ऐसा पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, इधर मैं लिखती हूँ, प्लाज्मोडियम एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। डाइजेनेटिक पैरासाइट का मतलब इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एक इसका प्राइमरी होस्ट, एक इसका सेकेंडरी होस्ट। तो आप ये मानेंगे कि इसकी लाइफ साइकिल के दो फेज हैं, एसेक्सुअल फेज और सेक्सुअल फेज। इसकी लाइफ साइकिल का जो एसेक्सुअल फेज है वो कंप्लीट होता है ह्यूमन बींग इसके अंदर, लेकिन इसकी लाइफ साइकिल का जो सेक्सुअल फेज है वो कंप्लीट होता है फीमेल एनाफिलीज के अंदर, ठीक है, यानी कि मॉस्किटो के अंदर। तो मॉस्किटो में सेक्सुअल उल्टा मत लिख देना, कहीं ह्यूमन बींग्स का नाम देख के आप सेक्सुअल फेज लिख दो, उसके अंदर एसेक्सुअल होता है। अब इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसके लाइफ साइकिल में, सबसे पहला स्टेप होता है बेटा इनोकुलेशन। इनोकुलेशन का मतलब किस पैथोजन का हमारी बॉडी के अंदर एंट्री लेना। तो पहली बार जब मॉस्किटो हमें बाइट करेगा, पहली बार जब मॉस्किटो की बाइटिंग होती है, तो वो अपने सलाइवा से, किससे, उसके सलाइवा के अंदर क्या होता है, ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है स्पोरोजोइट। तो क्वेश्चन ये आ जाए भाई, उसकी इन्फेक्टिव स्टेज कौन होती है प्लाज्मोडियम की, तो आप क्या नाम देंगे, स्पोरोजोइट। तो वो स्पोरोजोइट को किस में रिलीज कर देगा, ब्लड में रिलीज कर देगा। सबसे पहले कहाँ आएगा भाई, ये ब्लड में, उसने हमें बाइट किया, ब्लड में आ गया। थोड़ी देर बाद ही, इनोक्यूलेशन के आधे घंटे बाद ही, ये ब्लड से निकल के स्पोरोजोइट हमारे लीवर सेल में चली जाएगी।
कहाँ चला जाएगा? हमारे लीवर सेल में। तो ये किसकी सेल है बेटा? ये है लीवर की सेल। लीवर की सेल में स्पोरोजोइट एंट्री लेते ही राउंड शेप का बन जाता है और वो फीडिंग स्टेज बन जाती है। तो ये जो क्रिप्टोजोइट है ये लीवर की सेल को खाने वाली स्टेज है, मतलब उसका नरिशमेंट लेगी, फीडिंग स्टेज कहलाएगी। ठीक है, क्रिप्टोजोइट फिर मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू डिवाइड करेगा और अपने नंबर को इंक्रीज करके बहुत सारे क्या बना लेगा बेटा? क्रिप्टोमीरोजोइट्स। क्या बना लेगा? क्रिप्टोमीरोजोइट्स। तो ये वाला फेज, इस डॉटेड लाइन से ऊपर वाला जो फेज मैंने आपको बताया जो हमारे लीवर सेल में हुआ, ये सेकेंड स्टेप आएगा जिसका नाम है एक्जो इराइथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी। तो ह्यूमन बींग्स में सारी स्काइजोगोनी हो रही है। स्काइजोगोनी का मतलब क्या है? एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लाज्मोडियम, दैट इज कॉल्ड स्काइजोगोनी। उस स्काइजोगोनी के मैंने दो तीन पार्ट्स बताए हैं, एक एक्जो इराइथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी, एक प्री इराइथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी और एक इराइथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी। एक्जो इराइथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी तो पहली बार जब लीवर सेल को इन्फेक्ट करेगा तो लीवर के अंदर होगी, उसको हम क्या नाम देंगे? एक्जो इराइथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी। फिर ये क्रिप्टोमीरोजोइट्स निकल के दोबारा से किसी दूसरे लीवर सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे करके धीरे 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 करके सारे लीवर की सेल को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे जो ये जो सेकंड स्टेप हुआ इसको मैंने क्या नाम दिया? एग्जो इराइथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी, एक्सो इराइथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी। ठीक है, फिर यहाँ पे ये क्रिप्टोजोइट्स ने फ्रेश लीवर सेल को इन्फेक्ट किया, यहाँ पे क्या बन जाएगा? मेटा क्रिप्टोजोइट्स बन जाएगा। मेटा क्रिप्टोजोइट्स साइज में बढ़ेगा, अगेन मल्टीपल फ्यूजन होगा और ये मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू अपने नंबर को इंक्रीज करा के दूसरी लीवर सेल को ब्रस्ट करके बाहर निकलेंगे। अब ये दो टाइप के मीरोजोइट्स बना रहा है, मेटा क्रिप्टोजोइट्स बनाएगा। जो मेटा क्रिप्टोजोइट्स है ये छोटे साइज के और ये बड़े साइज के। जो बड़े साइज वाले हैं वो 65 नंबर में बनते हैं और जो माइक्रोमीरोजोइट्स हैं, माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइट्स हम लिखेंगे एक्चुअली इनको, इनका नंबर 800 से 1000 के अप्रोक्स बनते हैं। अब यहाँ पे जो मैक्रोमीरोजोइट्स थे, जो बड़े साइज वाले थे, मैक्रोमीरोजोइट्स या मैक्रो मेटा क्रिप्टोजोइट्स बोलेंगे, तो वो तो किसी दूसरे लीवर सेल को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, तो बेटा ये दोबारा से जो लीवर सेल में ये साइकिल चली है ना इसकी, इसको एक तीसरा फेज है और इसको हम क्या नाम देंगे? प्री इराइथ्रोसाइटिक, प्री इराइथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी। क्या नाम देंगे? प्री इराइथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी। ये इसका तीसरा स्टेप हो गया जो हमारे दोबारा लीवर सेल को इन्फेक्ट करेगा। अब यहाँ पे जो माइक्रोमीरोजोइट्स थे ये हमारी आरबीसी के अंदर एंट्री ले लेंगे। किसके अंदर एंट्री लेंगे भाई? आरबीसी के अंदर एंट्री ले लेंगे और आरबीसी के अंदर जो भी इनकी लाइफ साइकिल चल रही है उसको हम नाम देंगे फोर्थ स्टेप, दैट इज इराइथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी, इराइथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी। अब इसमें क्या होगा? बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी इराइथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी से ही आते हैं। आप क्या देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे किसने एंट्री ली? माइक्रोमीरोजोइट्स ने। माइक्रोमीरोजोइट्स एक बार आरबीसी के अंदर एंट्री ले लेंगे तो आरबीसी के अंदर फीडिंग स्टेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? वो फीडिंग स्टेज बनाएंगे।